देखा दद्दा चालुक्य त्रिपुर सुंदरी का चमत्कार। आज वर्षों बाद रुद्रभद्र के चरणों में पड़े दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, प्राण लूंगा प्राण। संभवतः राजकुमार अत्यंत विचलित हैं। तीव्र ज्वर में मन स्थिर ना हो तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परंतु महारानी, आपसे मिलने के लिए कोई वृद्ध आया है। वो कहता है कि राजकुमारी शोभा के बारे में उसके पास कोई सूचना है। देखा इंदु भाई, हमने कहा था ना, समय हमारा है। हमारे देवपट्टन से लौटते भरूच में तुम्हारा राज्याभिषेक होते दिखाई देगा। राजवैद्य कह रहे थे कि यदि राजकुमार के स्वास्थ्य शीघ्र सुधार नहीं हुआ उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। अब चिंता न करें साम्राज्ञी, इस समस्या का समाधान है हमारे पास। शोभा कहाँ है? अन्यथा बेटा, एकाग्रचित होकर और समर्पित भाव से अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। आप 16 वर्ष के लिए जा रहे हैं, इतने लंबे समय में अपनी माँ को मत भूल जाइएगा। हर सप्ताह मुझे आपके समाचार की प्रतीक्षा रहेगी। जी माताश्री, हम पत्थर द्वारा आपके संपर्क में रहेंगे। पिताश्री, कहिए राजकुमार। क्या देवपट्टन और भरूच के बीच में पुण्य मृत्यता नहीं हो सकती? चाहिए, साथ ही आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्राट, बहुत बुरा समाचार है सम्राट। भरूच पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया है और राज परिवार के सभी सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। जो बचे थे महाराज, वो अपने प्राण बचाकर भरूच से बाहर चले गए। और महाराज, और क्या सम्राट, गुप्तचरों से स्पष्ट सूचना मिली है कि गजनवी अपनी विशाल सेना के साथ सोमनाथ महालय को लूटने के लिए देवपट्टन की ओर बढ़ रहा है।